ऐतिहासिक पड्डल मैदान में 21वीं स्टेट जूनियर नेशनल स्पैटेक्रा चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 26 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। ये प्रतियोगिता युवाओं में खेल के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से लगाई गई है। स्पैटेक्रा चैंपियनशिप के जनरल सेक्रेटरी योगेंद्र सिंह दहिया ने बताया कि प्रतियोगिता में 26 राज्यों की टीमों द्वारा भाग लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महिला वर्ग का फाइनल चला हुआ है, जिसमें खिलाड़ियों द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में 26 राज्यों के पुरुष वर्ग व 24 राज्यों की महिला वर्ग की टीमें भाग ले रही हैं। योगेंद्र दहिया ने बताया कि प्रतियोगिता का समापन 13 अक्टूबर को होगा। यहाँ पर मंडी में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय जूनियर स्पैटेक्रा प्रतियोगिता, जिसमें आज टीम इवेंट का सेमीफाइनल संपन्न हुए हैं और महिला वर्ग का फाइनल चल रहा है और पुरुष वर्ग का जो फाइनल है वो शाम को खेला जाएगा, जिसमें मणिपुर और दिल्ली की टीमों का आमना सामना होगा। इस प्रतियोगिता में 26 राज्यों की पुरुष वर्ग में टीमें हिस्सा ले रही है और 24 टीमें महिला वर्ग में हिस्सा ले रही है। और मैं ये हमारे साथी आजाद जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत कम समय में यहाँ जो खेलों का आयोजन किया है और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश और मंडी के सभी जो निवासी यहाँ पर आकर बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं, उनके लिए मैं उनका आभार करता हूँ। और आप सभी मीडिया के बंधुगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। इसकी क्लोजिंग 13 तारीख को होगी, जिसमें हमारे रेगू इवेंट के जो फाइनल है वो अतिथिगण के सामने खेले जाएंगे। आपको बता दें कि स्पैटेक्रा बहुत अच्छी तरह से भारत में नहीं जानी जाती है, लेकिन हिमाचल में स्पैटेक्रा चैंपियनशिप का आयोजन करने का उद्देश्य खेलों के प्रति खिलाड़ियों की रुचि बढ़ाना है।